सिविल वालों को क्यों मार रहे हैं? हाँ अरे ये क्या कर रहे हैं यार? मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को गलत नहीं कहूंगा, वो विकास के देवता हैं। पहले 2 करोड़ लोगों को जबरदस्ती सरकारी नौकरी दे दी, 15-15 लाख आप लोगों के अकाउंट में डाल दिए। अब वो कह रहे हैं कि किसानों को अरबपति बना के मानेंगे, तो मान क्यों नहीं लेते हो आप लोग? मानना चाहिए, प्रधानमंत्री बोल रहा है, कोई आम आदमी थोड़ी है। आज की इस वीडियो में फैक्ट्स आप जानेंगे और इस वीडियो के पूरे खत्म होते होते आपको 360 डिग्री सारी नॉलेज हो जाएगी कि किसान आंदोलन क्यों चल रहा है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी है और अब तक क्या हालात हैं। तो बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ना न्यूज पे देखा था, रुका ना गया बेटे। हाँ बात यो थी, रुका ना गया। हाँ किसान यूनियन महेंद्र सिंह के टिके साहब जो खड़ा रहा बोला मारो गोली जिसमें दम है, मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। आप सबका स्वागत है लाइफ चेंजिंग वर्ल्ड इस मिथ बस्टर चैनल में। और आज की वीडियो है किसान आंदोलन के बारे में। इसके बारे में बहुत कुछ मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन अभी परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि इन चीजों पे खुल करके बोलना चाहिए। और मेरा चैनल मिथ बस्टर चैनल है, तो अगर कोई मिथ है किसी को भी और वो राष्ट्रीय मुद्दों से लेकर हैं या उनकी लाइफ से लेकर के हैं, तो उन पे मैं जरूर बोलूंगा। और ये वीडियो जो है ये उसी के रिलेटेड है, आपको बहुत कुछ बताएगी, बहुत कुछ पता चलेगा, बहुत सारी चीज़ें जो है किसान संगठन जो नहीं बता रहे हैं वो आपको पता चलेंगी, और बहुत सारी चीज़ें जो है मीडिया नहीं बता रहा है वो भी आपको इस वीडियो में आज पता चलने वाली है। तो शुरू करने से पहले आपसे एक बार माफ़ी चाहते हैं, 26 को लाइव आने का प्रॉमिस था, लेकिन 26 जनवरी वाले दिन इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी शाम को, तो लाइव नहीं आ पाए। वो लाइव का प्रोग्राम जो है वो किसी और दिन रखेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ तथ्य दिखाना चाहता हूँ, कुछ प्रूफ दिखाना चाहता हूँ सच से रिलेटेड। और ये जो किसान प्रोटेस्ट चल रहा है एक लंबे समय से, इसके रिलेटेड आज इस वीडियो में आप टोटल किसान आंदोलन की सच्चाई जानेंगे, आप टोटल सरकार की नीतियों के बारे में क्या राय है आम जन की वो जानेंगे, और इस वीडियो के अंत तक आप चाहे कोई भी हो, आप बीजेपी समर्थक हो या इवन आप बीजेपी आईटी सेल वाले भी क्यों ना हो, किसान समर्थक हो, आपको ये वीडियो मजबूर कर देगी इसको लाइक और शेयर करने के लिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको जो है प्रॉपर सही जानकारी दी जाएगी, ना कुछ छुपाया जाएगा ना कुछ अपनी तरफ से ऐड किया जाएगा, जो वास्तविकता है वो आपके सामने रखी जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं महेंद्र सिंह टिकैत जी से, जो कि भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं और इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं। आपको पता हो कि 2014 में जो बीजेपी का इलेक्शन था उसमें वोट और सपोर्ट का पूरा काम जो है महेंद्र सिंह टिकैत जी ने जो है मोदी गवर्नमेंट के लिए किया और बढ़ चढ़ के समर्थन किया था उन्होंने, और 2019 में भी उनका पूरा सपोर्ट
उनका पूरा प्रोग्राम जो है वो बीजेपी गवर्नमेंट के पक्ष में था, मोदी जी के पक्ष में था, और इस इलेक्शन में उन्होंने मोदी जी को बढ़ चढ़कर सफलता दिलवाई और बीजेपी के साथ जुड़े रहे। आखिर क्या वजह बनी है कि बीजेपी के साथ लंबे समय से जुड़े हुए महेंद्र सिंह टिकैत जी को अब बीजेपी के खिलाफ जाना पड़ा या बीजेपी जो है उनके खिलाफ चल रही है? तो बात सारी वहीं आके रुकती है कि एक तरफ किसान है, किसान संगठन है, किसानों की मांगे हैं, और दूसरी तरफ नए कृषि बिल हैं। सरकार चाहती है कि जो कृषि बिल सरकार लेके आई है किसान उनको मान लें, थोड़ा बहुत आगे पीछे करके, थोड़ी बहुत नेगोशिएशन करके, थोड़ा बहुत इधर उधर करके किसान उसको मान लें। और किसान चाहते हैं कि सरकार इन तीनों बिलों को वापस ले ले और इसी के साथ साथ MSP का एक कानून बना दे, जो कि सरकार को मंजूर नहीं है। तो लड़ाई सिर्फ इसी बात की है, और मेरा सभी संगठनों को, जो किसान संगठन, किसान समर्थक इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे एक पुरजोर निरोध है, एक विनती है मेरी उनसे कि इस प्रोटेस्ट को, इस आंदोलन को दुनिया का आखिरी आंदोलन बना दें। दुनिया का आखिरी आंदोलन कैसे बनेगा? जब सर्वहित की बात की जाएगी, जब न्याय की बात की जाएगी। न्याय अगर स्थापित हो जाए तो अन्याय किसी के साथ हो नहीं पाता। जैसे कहीं प्रकाश का प्रबंध एक बार कर दिया जाए तो वहां अंधकार जो है वो अपने आप से ही गायब हो जाता है। अंधेरा भगाना है तो वहां लाइट का इंतजाम करना पड़ेगा, लाइट का समर्थन करना पड़ेगा। ये बातें बार बार जो सत्यात्मक संगठन है उनके द्वारा कही गई हैं, और ये बातें 100% सच हैं। और धीरे धीरे ये आंदोलन ये अन्याय के खिलाफ और न्याय के पक्ष में आता जा रहा है। और ये बिल अगर लागू होते हैं तो जो पहला बिल है इसमें, उसमें स्वतंत्रता दी जाती है आवश्यक वस्तुओं के भंडारण की। कोई भी जरूरी वस्तुओं का भंडार कितना भी कर सकता है, और एक साल में महंगाई जब तक 10% से ज्यादा, सॉरी, एक साल में महंगाई जब तक 10 गुना से ज्यादा नहीं हो जाती तब तक सरकार उसमें कोई भी दखल नहीं दे सकती, प्रशासन उसमें तब तक कोई दखल नहीं दे सकता है जब तक महंगाई जो है 10 गुना नहीं बढ़ जाती। जो पहला बिल है उसका सारांश आपको बता रहे हैं। जब ऐसा होगा तो पहले साल जो वस्तु आप 10 रुपए की खरीदते हैं वो 100 रुपए की हो जाएगी, और दूसरे साल 100 रुपए से उसकी 1000 की होने की पूरी संभावना रहेगी, और 100 रुपए से 1000 तक दूसरे साल का जो है उसका रेट रहेगा, और तीसरे साल का अगर इसी तरीके से भंडारण होता रहा और आवश्यक वस्तुओं की महंगाई बढ़ती रही तो तीसरे साल वो 1000 रुपए से 10000 तक, 10 रुपए वाली जो चीज आप खरीदते थे वो 3 सालों में इतना बड़ा जो है उसमें उछाल आ चुका होगा। और अगर हम देखें जो भी चीजें अब तक कॉरपोरेट के हाथ में आई हैं, जिनका प्रोडक्शन देश में होता है या जिनका उत्पादन देश में होता है, वो सारी चीजों की जो महंगाई है वो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। और अगर चाइना से करते हैं या किसी और देश से कोई चीज का इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट ड्यूटी वो
30%, 40%, 50% और कुछ चीज़ों पे 100% तक की भी लगती है, और तब भी वो चीज़ें इम्पोर्ट होने के बाद देश में हो रहे उत्पादन से सस्ती ही रहती हैं। आप सोचिए कितने गुना तक का मुनाफा कॉरपोरेट जो है उसमें रख लेते हैं, और अपनी जो है इनकम बढ़ाते रहते हैं। इसी तरीके से अगर जरूरी वस्तुएं खाने पीने की भी कॉरपोरेट की भेंट चढ़ जाएंगी तो उसमें भी ऐसा ही होने वाला है कि गेहूं, चावल, दाल जो भी आपके देश में पैदा होती है अगर आप इंपोर्ट करके लाओगे तो शायद वो सस्ती होगी, और जो देश की है वो इतनी महंगी हो चुकी होगी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आप खाना खाते हैं, आप एक मनुष्य हैं, खाना भी खाते हैं, तो ये सारा आंदोलन किसानों का नहीं है, आपका भी है। क्योंकि जमाखोरी को रोकने वाला कानून जो है उसको स्थगित किया जा रहा है, और जमाखोरी को बढ़ावा देने वाला कानून जो है वो ले आया जा रहा है, और उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं मैं सीधे सीधे ये तो नहीं कहूँगा कि गवर्नमेंट जो है वो कुछ एक उद्योगपतियों के, कुछ एक कॉरपोरेट घरानों के लिए काम कर रही है, लेकिन जाने अनजाने गवर्नमेंट से वो सब हो जा रहा है जो उन्हीं के लिए काम करेगा, वो कानून जो है वो सीधे सीधे उन्हीं के पक्ष में जाएगा। तो इसीलिए आप सबको मनन करने की ज़रूरत है, इन चीज़ों को गहराई से सोचने की ज़रूरत है, और जो आप टीवी पे न्यूज़ देखते हैं वो न्यूज़ परफेक्ट न्यूज़ नहीं होती है, वो वही बाइट्स होती हैं, वो वही एडवर्टाइज होते हैं जो गवर्नमेंट मीडिया को चलाने के लिए देती है। तो आज का हमारा मीडिया, हम यूँ कहें कि पूरी तरीके से सरकार के कंट्रोल में आ चुका है, और मीडिया में जो न्यूज़ दिखाई जाती है वो एक विज्ञापन होता है, वो एक एडवर्टाइज होता है, और उसके अंदर भी एडवर्टाइज दिए जाते हैं ताकि आपको ये ना लगे कि वो जो न्यूज़ चल रही है वही एडवर्टाइज है और उसी से मीडिया कमाता है। लेकिन इसकी सच्चाई आप सबको पता है, सारे मीडिया हाउसेस के मालिक कौन कौन है मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप गूगल करके देख सकते हैं किसी भी चैनल के नाम से कि उनके मालिक कौन है, वो कौन कौन कॉरपोरेट घराने हैं, और उनके लिंक कहाँ पर हैं, वो किस पार्टी के जो है राज्यसभा सांसद हैं, किसी पार्टी के साथ क्या उसके रिलेशन हैं, तो आपको सारी वास्तविकता समझ में आ जाएगी कि इस तरीके की चीज़ें जो मीडिया करता है उसके पीछे उनकी क्या लाचारी है, क्या मजबूरी है। तो अब आपके सामने मैं कुछ प्रूफ रखना चाहूँगा, कुछ दीप सिद्धू की एक बाइट है मेरे पास, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा इस वीडियो में, और कौन कौन क्या क्या सोचता है इस पर, ये पूरी जानकारी आपके सामने रखी जाएगी। और इसके लिए मैंने कुछ एक बाइट्स को इकट्ठा किया है आपके लिए और आसान कर दिया है, आप जगह जगह जाकर के 10 वीडियो को देखेंगे, एक ही वीडियो में मर्ज करके आपको सारी जानकारी मिलेगी, और आप बने रहिएगा, और लास्ट में मैं फिर आऊँगा और बताऊँगा इस सब का कैलकुलेशन क्या है और इसे होने क्या वाला है। अब आप इन वीडियोस को एक बार ध्यान से देखिए। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों गांव अगर शहर में उठकर आ जाए और शहर से अगर बार बार इस देश के विकास का जिक्र होता हो, इस देश के गांव को खत्म कर शहरों में तब्दील करने का जिक्र होता हो, और अगर गांव शहर में आ गया तो उसके बाद सरकार के आंकड़े कहते हैं कि हर दिन तकरीबन 3.5 करोड़ का नुकसान हो रहा है। जी 67 दिन को जोड़ दीजिएगा तो तकरीबन 20 से 25 हजार करोड़ की स्थिति में आकर टिक जाएगा। क्या वाकई इतना नुकसान हो गया? दूसरा सवाल है, अगर गांव शहर में आकर खड़ा हो रहा है तो इस देश के भीतर में क्या सिर्फ बजट शहरों के लिए होता है? इस देश में पूरा बजट क्या इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर के लिए होता है? आज जिक्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कल बजट आ रहा है, और हमें लगता है कि आज गाजीपुर के बॉर्डर पर इस तरीके से जो घर बने हुए हैं, जो मकान बने हुए हैं, जो झोपड़ियां बनी हुई हैं, जो तिरपाल सजे हुए हैं, उसके भीतर जब झांकिएगा तो एक उम्मीद और एक आस खुद के आंदोलन को लेकर इसलिए तेज हो चली है क्योंकि इन्हें लगने लगा है
कि किसानों के साथ समूचा देश आज नहीं तो कल खड़ा हो ही जाएगा। और यह स्थिति कोई विकट भी नहीं है कि किसानों के साथ देश खड़ा ना हो, उसकी दो तीन वजहें हैं। पहली वजह यह है कि क्या लोकतंत्र के पाए चरमराने लगे हैं, क्या लोकतंत्र पर निगरानी रखने वाला मीडिया दरअसल बहक चुका है, वो सत्तानुकूल हो चुका है। इन दोनों सवालों के अक्स तले आज कई बातों को ध्यान दीजिएगा। इस देश के भीतर में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कितनी जमीन किसानों की ली जाती है, इस देश के भीतर में जो सड़क बनती है, जिस सड़क पर हम मौजूद हैं, ये NH-24 है, ये बीते 65 दिनों से डिस्टर्ब है, बंद है, कई बार पूरी तरह बंद है, इस इलाके में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। यानी गांव को शहर बर्दाश्त कर पाने की स्थिति में नहीं है। लेकिन किसान अगर इस देश की राष्ट्रीय सहमति के साथ दिल्ली के चारों तरफ आकर खड़ा हो जाएगा तब क्या होगा? और लोकतंत्र के तीन पाए का मतलब आप न्यायपालिका समझेंगे, विधायिका समझेंगे, कार्यपालिका समझेंगे, लेकिन इसके साथ आज मीडिया को भी समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जब जड़ में ये बात निकल कर आ जाए कि दरअसल जिस लोकतंत्र को जिया जा रहा है वो लोकतंत्र सिर्फ सत्ता के लिए काम करता है, तब आप क्या कहेंगे? ये पहला मौका है इस देश के भीतर में, क्योंकि अभी तक ये माना गया 2014 से लेकर 2020 तक मीडिया के लिए जो बजट मौजूदा सरकार यानी मोदी सरकार का रहा, वो बजट एट पार है। एट पार से मतलब यह है कि किसी भी प्रधानमंत्री ने इतना बजट प्रचार पे खर्च नहीं किया। यह इतना बड़ा बजट है कि जो टीआरपी की रेस में जो विज्ञापन दाताओं से जो पैसा मिलता है उससे भी ज्यादा बड़ा बजट है यह, जो सरकार की तरफ से मीडिया को दिया गया। तो मीडिया क्यों सरकार के लिए काम नहीं करेगी, पहली बात। दूसरी बात, मीडिया अगर सरकार के लिए काम करेगी तो फिर जनता का भरोसा मीडिया पर कैसे होगा? शहरों में यह बात बार बार गूंजती रही कि वाकई भरोसा हो नहीं रहा है, लेकिन गांव खेती और किसानों के बीच में जाते आप तो इससे पहले वो कहते थे अच्छा ये अखबार में छप गया ना ये सही होगा, ये टेलीविजन पे दिखला दिया गया ये सही होगा। इसमें कोई दो मत नहीं है, मीडिया की यह भूमिका रही है। लेकिन पहली बार किसान आंदोलन कर रहा है और उसे ऐसा लग रहा है कि उसके आंदोलन को दिखाने वाले पत्रकारों को भी पुलिस पकड़ कर ले जा रही है। कल रात ही सिंधु बॉर्डर से दो पत्रकारों को उठा कर ले गई। अगर ये लगने लगा है कि किसी भी पत्रकार की रिपोर्टिंग अगर इस तर्ज पे होती है जहां वो गवर्नेंस पर उंगली उठा दे, पुलिस प्रशासन के कामकाज पर उंगली उठा दे, या फिर सुप्रीम कोर्ट जब कह देता है कि आप आंदोलन कीजिए और वहां पर बिजली पानी काट दी जाती है, तो यह पूरी तरीके से ह्यूमन राइट वायलेशन है, जिसका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में भी और जिसका जिक्र यूनाइटेड नेशन के चार्टर में भी है। यानी गांव के भीतर अगर यह महसूस होने लगेगा जिस दिन इस देश की न्यायपालिका, इस देश का नौकरशाह, इस देश की पार्लियामेंट, इस देश का मीडिया अगर सिर्फ उस सत्ता के लिए काम करता है जो सत्ता उनके हित के लिए काम नहीं कर रही है, या फिर ऐसा कानून बना दे रही है जिससे आने वाले वक्त में उनके बच्चों के सामने भी 2 जून की रोटी मुहैया करानी मुश्किल हो जाएगी, तो आइए जरा आज हम इतिहास नहीं बल्कि इस सरकार की परतों को आपके सामने खोलना चाहते हैं, जिसके जरिए आप समझ पाएंगे कि विकास की परिभाषा में किसान फिट क्यों नहीं बैठता है। बजट कल पेश किया जाएगा उसमें भी किसान फिट क्यों नहीं बैठेगा। इस देश के भीतर में जो जीडीपी है उस जीडीपी में योगदान जो एग्रीकल्चर का होता है उसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है, वो खेतीहर मजदूर का योगदान है, किसानों का योगदान है, जिसकी जमीन है उसका योगदान है। क्योंकि भारत दुनिया के उन देशों में आकर खड़ा हो चला है जहां पर सबसे ज्यादा उत्पादन फसल का हो रहा है, मैक्सिमम एक्सपोर्ट भारत कर रहा है, और इस महामारी के दौर में भी एग्रीकल्चर यानी कृषि की विकास दर 3.4% रही। अब आप अनूठा सच देखिए, एग्रीकल्चर की विकास दर 3.4 महामारी के दौर में भी थी और महामारी अब खत्म हो रही है तो सरकार का इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि आने वाले वक्त में भी कृषि की विकास दर 3.4% रहेगी। यानी कोई सहयोग सरकार के पैकेज, कोई सहयोग सरकार का बजट और सरकार जो कानूनों को बनाती है उसका असर कृषि विकास दर पे नहीं पड़ता है, उसका असर इस देश में इंडस्ट्री पर पड़ता है, उसका असर इस देश में सर्विस सेक्टर पर पड़ता है। जो महामारी का दौर था वो एग्रीकल्चर को अगर छोड़ दीजिए यानी खेती को छोड़ दीजिए तो हर सेक्टर नेगेटिव में था। नेगेटिव का मतलब होता है कि आप नीचे चले गए,
नीचे जाने का मतलब होता है इस देश में बेरोजगारी बड़ी हो गई, नीचे जाने का मतलब होता है उत्पादन नहीं हो पा रहा है, नीचे जाने का मतलब होता है एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है, नीचे जाने का मतलब होता है जो कर्मचारी जहां काम कर पा रहे हैं उनके लिए पैसा मुहैया कैसे होगा, यह भी स्थिति नाजुक हो गई। लेकिन एग्रीकल्चर एकमात्र क्षेत्र रहा जिसकी विकास दर पॉजिटिव में रही और सरकार के बजट और इकोनॉमिक सर्वे के बाद भी वह उसी दिशा में रहेगी। तो सरकार का योगदान क्या हुआ? सरकार का योगदान एग्रीकल्चर को लेकर शून्य रहा। यहां से दूसरा सवाल निकलता है, किस डेवलपमेंट का जिक्र हो रहा है और किस सुधार का जिक्र हो रहा है, रिफॉर्म का जिक्र हो रहा है? यानी कृषि सुधार का जिक्र जो किया जा रहा है उसके मतलब क्या, उसका लाभ किसको मिलेगा? उसका लाभ बहुत सीधे तौर पर उन पैसे वालों को मिलेगा जो पैसे के जरिए उस जमीन को अपने पास लेंगे और वहां पर बाजार के अनुकूल फसल उपजाएंगे, क्योंकि जो फसल किसान उपजाएगा वहां पर बीज उस कॉरपोरेट का होगा, टेक्नोलॉजी उस कॉरपोरेट की होगी, खाद उस कॉरपोरेट की होगी, सारी चीज उसकी होगी। हम यहां पर भी आपको एक उदाहरण दे देते हैं, मुंबई से कुछ दूरी पर नासिक और नासिक से कुछ पहले अंगूर के खेत हैं। अंगूर के खेतों में जो पहले किसान अंगूर उगाते थे वो बाजार में बेच देते थे। 2004-05 में हुआ क्या कि अंगूर की जगह वहां पर वाइन वाले अंगूर बनाने के लिए बड़े बड़े कॉरपोरेट आ गए। उन्होंने किसानों से कहा कि हम आपको लाभ देंगे, आप वो अंगूर छोड़िए, वाइन के लिए अंगूर बनाना शुरू कर दीजिए, शराब के लिए अंगूर बनने लगी। 3 सीजन के बाद वो जमीन सिवाय शराब के लिए अंगूर उपजाने के अलावे कुछ भी उपजाने की स्थिति में नहीं थी। इसका असर क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने कहा आज हम कीमत दे पाने की स्थिति में नहीं है। सारे किसान दौड़े दौड़े स्टेट गवर्नमेंट के पास गए, राज्य सरकार के पास गए, कुछ तो हमारा भला कीजिए। बोले हम क्या भला करें आपका, आप लोग तो जो उपजा रहे हैं आप लोग के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। किसान अपनी ही जमीन पर, हम जो नासिक के किसानों का जिक्र कर रहे हैं, किसान अपनी जमीन पर मजदूर है और वहां पर वह शराब के पीपे उठाता है, जो वाइन फैक्ट्री वहां पर लगी हुई है नासिक के इलाके में, वहां पर वो मजदूरी का काम करता है, वहां पर रेव पार्टियां चलती हैं, वहां पर तमाम तरह की पार्टियां चलती हैं और उससे कमाई होती है। ये पहला हिस्सा है। दूसरा हिस्सा, इस देश के भीतर में इकोनॉमी जिस लिहाज से डावाडोल हो गई है उसका सच भी किसानों को इसलिए जानना चाहिए क्योंकि पैसे से पैसा बन सकता है, लेकिन इस देश में कोई भी अर्थव्यवस्था ऐसी इन लोगों ने डेवलप ही नहीं की कि प्रोडक्ट से पैसा बन सके, यानी फसल से पैसा बन सके। इस देश के भीतर में जो रियल इस्टेट सेक्टर है वह लगभग तबाह हो चला है। उस तबाही की स्थिति का एक आंकड़ा आपको बतला देते हैं। इस देश में लगभग 5,02,340 घर ऐसे हैं जो खाली पड़े हैं। जिस जमीन पर यह रियल इस्टेट ने अपने आप को खड़ा किया उसमें लगभग 1,80,000 हेक्टेयर जमीन खेती की है और 1,80,000 हेक्टेयर में जितनी खेती होती है उस खेती के एमएसपी को भी सरकार देने को तैयार नहीं है। लेकिन 1,80,000 हेक्टेयर जमीन पर जो रियल इस्टेट खड़ा हो गया उसका जब एनालिसिस आप करना शुरू कीजिएगा तो आपको जानकर हैरत होगी, जो एमएसपी की कीमत है 1,868 रुपए मान लीजिए धान के, 1,925 रुपए गेहूं के, इसको आप 10 से गुना कर दीजिए। रियल इस्टेट वहां जब आता है तो इससे 10 गुना ज्यादा वो कमा के चला जाता है। जमीन किसकी थी? किसान की थी। उस पे पैसा दिया गया, सरकार ने कहा अरे दीजिए आप, रियल इस्टेट यहां पर बनेगा, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। इस देश के भीतर में किसानों की जमीन लगभग बीते 6 बरस में, सिर्फ 6 बरस में, 2014 के बाद से हम जिक्र आपसे कर रहे हैं, तब से लेकर अब तक इस देश में लगभग समूचे देश की जो एग्रीकल्चर लैंड है उसका लगभग 0.89% शिफ्ट किया गया है। और 21वीं सदी में यानी 2000 से लेकर अगर 2020 तक आइएगा तो वो एवरेज चलता था 0.25% एग्रीकल्चर लैंड जो शिफ्ट किया गया इंडस्ट्री को, रियल इस्टेट को। फिर नया संकट आ गया। यानी दो तरीके से काम होंगे। पहला तरीका, इस देश के भीतर में जो किसान अपनी जमीन पर मजदूर हो जाए और कॉरपोरेट जो कहे उसकी फसल उपजाए, पहले 2-3 फसल में उसको लाभ दे दिया जाएगा, तीसरी बार से वह गुलाम हो जाएगा। दूसरी स्थिति, किसानों की जमीन को ही खरीदार के तौर पर आने वाले वक्त में कॉरपोरेट मौजूद होगा।
इस कानून के अक्ष तले जो कृषि सुधार का जो पूरा भबका खड़ा किया गया है, मेरे ख्याल से वह इस त्रिपाल वाले घर से भी बुरी हालत में किसानों को किसान के घर पे ले आएगा। और इसके लिए आपको बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, इस देश के भीतर में कई राज्यों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है, कई राज्यों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हुई है। उसमें भी जो डेवलप राज्य है उसमें दो राज्यों का नाम लेते हैं, कर्नाटक है और दूसरा महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र पहले नंबर पर आता है जहां पर सबसे ज्यादा किसान खुदकुशी कर लेता है। कर्नाटक पहले नंबर पर आता है जहां पर शहरी किसान जो मजदूर के तौर पर गांव छोड़कर शहर आ गया वो सबसे ज्यादा गरीब है। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट बतलाती है कि महाराष्ट्र और कर्नाटक दो ऐसे राज्य हैं जहां पर दुनिया के सबसे ज्यादा गरीब शहरी लोग रहते हैं। आप कल्पना कर पा रहे हैं, भारत की 5 ट्रिलियन का सपना देखा जाता है, मोदी सरकार मान लीजिए जिक्र करती हमारी जीडीपी इतनी बढ़ जाएगी, उस जीडीपी की इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का कोई स्थान नहीं है। लेकिन एग्रीकल्चर से जुड़े हुए किसानों ने अगर तय कर लिया कि इस देश में अपनी जमीन नहीं देंगे तो फिर यकीन जानिए इस देश की इकोनॉमी में आपको अपने बजट और अपने सिस्टम में किसानों को भी जोड़ना होगा और एग्रीकल्चर को भी जोड़ना। और जब हम एनसीआर के इलाके में, ये नोएडा और गाजियाबाद के बीच का हिस्सा है एक लिहाज से, आप समझिए इसको स्मार्ट सिटी के तौर पर भी रखा गया है। आपको जानकर यह भी हैरत होगी जो स्मार्ट सिटी का बजट है वह बजट भी ग्रामीण बजट का शिफ्ट हो जाता है, एग्रीकल्चर की इकोनॉमी शिफ्ट हो जाती है, किसानों के हक शिफ्ट हो जाते हैं और उसके जरिए स्मार्ट सिटी का सपना दिखाया जाता है। और स्मार्ट सिटी का मतलब क्या है, दुनिया भर में स्मार्ट सिटी का जो मतलब है, भारत में स्मार्ट सिटी का मतलब अभी भी सिर्फ पानी और बिजली और सड़क ही है। यानी बेसिक चीजों की लड़ाई इस देश में शहर लड़ रहे हैं और गांव को सपना दिखाया जाता है कि आप अगर इन 3 कानूनों के जरिए देश के किसी भी हिस्से में चले जाइए आप अपनी फसल बेच सकते हैं। यह कुछ ऐसा ही है जिस देश के भीतर में एक ड्राइवर की नौकरी ना हो और सरकार कहे हमने सबको पायलट का लाइसेंस दे दिया है अब आप हवाई जहाज चला सकते हैं। इम्पॉसिबल सी चीज है, ये कैसे संभव है। इसीलिए अब अगला सवाल है, क्या इस देश के भीतर में किसानों की सहमति के साथ राष्ट्रीय सहमति बनेगी, क्योंकि एक के बाद एक जो पंचायतें हो रही हैं, जिले दर जिले जो पंचायतें हो रही हैं, चाहे वो मुजफ्फरनगर में हुई हो, चाहे कल मथुरा में हुई हो, चाहे आज बढ़ौत में हो रही हो, चाहे हरियाणा के जिले दर जिलों में हो रही होगी, हर जिले के भीतर जब झांकना शुरू कीजिएगा और उसके जब किसानों की तादाद को देखिएगा तो पहली बार किसान ना तो जाति के नाम पर खड़ा है ना धर्म के नाम पर खड़ा है। सरकार प्रयास जरूर करेगी, पॉलिटिशियन प्रयास जरूर करेंगे, जाट और गुजरों को लड़ाने के लिए हरियाणा में प्रयास हो रहे हैं, ये होंगे, इससे कतई इनकार नहीं है। लेकिन एक वक्त के बाद किसानी प्रोफेशन है, किसानी पेट से जुड़ा हुआ सवाल है, किसानी कोई जाति और धर्म नहीं है। और भारत की राजनीतिक स्थिति में अगर राष्ट्रीय सहमति किसान आंदोलन के साथ बन गई, जो गाजीपुर में राकेश टिकैत के 2 आंसुओं के बाद अगर दिखाई देने लगती है, तो इसका यह मतलब कतई नहीं है कि आने वाले वक्त में हर किसान को रोना ही है। इस देश की राजनीतिक स्थिति को भी समझ लीजिए, मौजूदा वक्त में इस आंदोलन में कोई नेता ऐसा नहीं है जिसके एक ऐलान से इतनी बड़ी तादाद में किसान और मजदूर आकर खड़े हो जाए। आंदोलन नहीं था तो किसान की स्थिति क्या थी, किसानों की छोड़ दीजिए, जो किसान नेता भी बनना चाहते थे उनकी क्या स्थिति थी। राकेश टिकैत का ही जिक्र कर लीजिए, राकेश टिकैत 2014 में अमरोहा से चुनाव लड़ते हैं, उनको कितने वोट मिलते हैं, सिर्फ 9,000 वोट मिलते हैं। अब आप कल्पना कीजिए जो चुनाव जीता उसको 5 लाख से ज्यादा वोट मिले, जो सेकंड नंबर पर आया उसको 3 लाख से ज्यादा वोट मिले, इनको सिर्फ 9,000 वोट मिले। लेकिन आज की तारीख में अगर चुनाव हो जाए और इस देश का किसान सोच ले कि किसान को ही चुनाव जिताना है, तो क्या वाकई 5.5 लाख वोट जो 2014 में जिसे मिल पाए थे उसे मिल पाएंगे, नहीं मिल पाएंगे। तो पहली बार पॉलिटिक्स शिफ्ट हो रही है, अगर राजनीति ने करवट बदलनी शुरू कर दी तो इस देश के भीतर में संसद भवन के भीतर बनते कानूनों को भी परिवर्तित होना पड़ेगा। यूं ही प्रधानमंत्री ने नहीं कहा कि हम एक कॉल पर हैं,
यूं ही कृषि मंत्री ने नहीं कहा कि 1.5 साल के लिए सस्पेंड कर देते हैं, यूं ही सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा हम कमेटी बना देते हैं। इस देश के भीतर में डेमोक्रेसी क्रैक कर रही है, और उसके लिए दो उदाहरण और आखिर में सुन लीजिए। हाथरस में जब एक लड़की के साथ जो कुछ हुआ और वहां पर जिस तर्ज पे जला दिया गया रात के अंधेरे में हाथरस की लड़की को, उसके परिवार वालों ने क्या कहा? उन्होंने कहा हमको CBI जांच नहीं चाहिए, हमें सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के साथ एक कमेटी का निर्माण कीजिए, उस पर भरोसा है। यानी CBI पर भरोसा नहीं रहा, CBI देश की प्रीमियर संस्था, जांच करने वाली संस्था। उसके बाद किसान आंदोलन में आइए, किसानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम कमेटी बनाते हैं, किसानों ने कहा कोई भरोसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है हाथरस तक इस देश के वह इंस्टीट्यूशन डूबे हुए नजर आते थे जिसमें न्यायपालिका शामिल नहीं थी, किसान के आंदोलन के वक्त वह इंस्टीट्यूशन शामिल हो गए जो डेमोक्रेसी का बेस है, यानी संविधान की व्याख्या करने के लिए सुप्रीम कोर्ट है, उसके कमेटी पर भी भरोसा नहीं है। इनको भरोसा है कि हमने आपको चुनकर भेजा है, आप हमारे खिलाफ कानून क्यों बनाएंगे। यानी एक ऐसी स्थिति आ गई है, तो चीजें बची कहां? पार्लियामेंट में मनमर्जी हो रही है, सुप्रीम कोर्ट सत्ता के लिए पैरवी कर रहा है, नौकरशाही पूरी तरीके से सत्ता के लिए काम करने लगी, पुलिस सड़क पे मौजूद इसलिए है क्योंकि उसको भी तो अपना वेतन चाहिए, रोजी रोटी चाहिए, तो जैसा सत्ता हाँकेगी वो वैसे ही दिशा में चलेगी। लेकिन ये चीजें क्रैक कैसे होंगी? क्रैक राष्ट्रीय सहमति से होगी, और राष्ट्रीय सहमति का मतलब ये है जब जड़ों में यानी गांव की जड़ों में इस बात को लोग समझने लगेंगे कि वाकई ये कानून ऐसी परिस्थिति में लाया गया जिसमें किसानों से इसलिए नहीं पूछा गया क्योंकि किसान को मजदूर में तब्दील करना है, उसकी जमीन को कॉरपोरेट के आगे हवाले करना है। बड़ी क्लियर कट लाइन है ये, और ऐसा होते आ रहा है लगातार। और इसमें कानून क्यों लाया गया, यह भी एक आखिरी सवाल होना चाहिए। कानून इसलिए लाया गया क्योंकि इन तीन कानूनों के भीतर का सच यह है, किसान इसके बाद अदालत नहीं जा सकता है। कॉरपोरेट बार बार सरकार से कह रहा था हम खेती में पैसा तो लगा देंगे, लेकिन होता क्या है कि किसान अदालत में चला जाता है, चीजें अटक जाती हैं। सरकार ने कहा ऐसा नहीं होने देंगे, हम एक नई व्यवस्था करते हैं। तो उन्होंने तीन तरह की व्यवस्था की। सबसे बड़ी व्यवस्था तो यही हो गई कि किसी भी हालत में ये सारे मामले कोर्ट में नहीं जाएंगे, SDM के लेवल पर अटका दिए जाएंगे। SDM की हैसियत क्या होती है ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, और इस देश के भीतर में 3 करोड़ से ज़्यादा मामले छोटी अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, यह भी छुपी हुई बात नहीं है, और पैसे के बल पर कैसे चीज़ें बदलती है यह भी छुपी हुई बात नहीं है। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, इस देश के भीतर में जो फसल बेचने की परिस्थिति है, किसान तो दूर, इस देश के लगभग 70% लोग ऐसे नहीं हैं जो अपने घर से बाहर निकलकर सफर पर निकलें अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, इम्पॉसिबल सी चीज है। यहां पर हैंड टू माउथ की स्थिति है, कमाएंगे तो खाएंगे, खाएंगे तो फिर कमाने की दिशा में बढ़ेंगे, नहीं होगा तो साहूकार से पैसा लेंगे, बैंक से लोन उठाएंगे। लेकिन झटके में क्या कर दिया गया, रिजर्व बैंक ने जिस तरीके से अपनी तिजोरी खोली सरकार के लिए, बैंकों ने अपनी तिजोरी खोली कॉरपोरेट के लिए, उसका सच यह है कि किसानों पर आज की तारीख में मौजूदा वक्त में जो बैंकों से उठाया हुआ लोन है वह सिर्फ 1 लाख करोड़ का है, लेकिन जो कॉरपोरेट लोन उठा के भाग गए, कुछ विदेश भाग गए, कुछ सरकार के साथ खड़े हैं, वह लगभग 12.5 लाख करोड़ पार कर चुका है। उस कॉरपोरेट पर कितने लोग टिके हुए हैं, इस देश के मैक्सिमम 20 करोड़ लोग। खेती पे कितने लोग टिके हुए हैं, लगभग 80 से 84 करोड़ लोग। ये असमानता का एक अद्भुत संसार है, और इसके भीतर चीजें लाई जा रही है। आखिरी बात जो सरकार के डॉक्यूमेंट ही कहते हैं, हमको लगता है ये आखिरी बात इसलिए समझने की जरूरत है क्योंकि कल जब बजट आएगा तो हर की निगाह इस बात को लेकर होगी एग्रीकल्चर का क्या होने वाला है। हम आपको बताते हैं जो इकोनॉमिक सर्वे ने बतलाया है। इकोनॉमिक सर्वे का कहना है कि माइनिंग के क्षेत्र में -17.2% विकास दर थी, जो आने वाले वक्त में घटकर -8.3 हो जाएगी। कुछ स्थिति सुधर गई, जाहिर है माइनिंग से जुड़े कॉरपोरेट को कुछ पैसा मिलेगा, जाहिर है माइनिंग में तेजी लाने के लिए सरकार कोई प्रयास करेगी, जरूर करेगी। अच्छी स्थिति हो गई मैन्युफैक्चरिंग में, 19.4 नेगेटिव
माइनस जा रहा था विकास दर। सरकार कह रही है, उसकी जो इकोनॉमिक सर्वे है वो कह रहा है आने वाले वक्त में ये 0.4% पे ले आएंगे, यानी अच्छी स्थिति हो रही है, अच्छी बात है। कंस्ट्रक्शन जो -30.4% पे था वह अच्छी स्थिति में होकर 4.4% पे आ जाएगा, यह भी अच्छी बात है। सारी बातें अच्छी है लेकिन एग्रीकल्चर में सुधार क्यों नहीं होगा? सरकार का डाटा कहता है कि एग्रीकल्चर 3.4% ऐसे वक्त में रहा जब ये देश की डामाडोल स्थिति दुनिया के सामने होती चली जा रही थी, लेकिन एग्रीकल्चर ने इस देश को संभाल लिया। और जब सरकार का बजट आएगा और आने वाले वक्त में सरकार एग्रीकल्चर के लिए इतने सुधार के कार्यक्रम जो बता रही है उसके बाद भी 3.4% ही विकास दर रहेगी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो एग्रीकल्चर की इकोनॉमी है वो अलग अलग माध्यमों से कैसे शिफ्ट की जाए और दूसरे माध्यमों को डेवलप किया जाए और एग्रीकल्चर को सरकार के ऊपर नहीं कॉरपोरेट पर निर्भर बनाते हुए उस कॉरपोरेट से पैसा टैक्स के तौर पर लें, पार्टी फंड के नाम पर लें, या जो शब्द आपको देना है वो बॉन्ड खरीद ले, इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीद ले, जो भी कहना है कह दीजिए, लेकिन एग्रीकल्चर की इकोनॉमी कैसे शिफ्ट होगी? क्योंकि अनूठा सच यह है इस देश का, 48% जीडीपी में अगर इस देश के ग्रामीण भारत का हाथ है तो एग्रीकल्चर ने इस देश के समूचे अनऑर्गेनाइज सेक्टर को संभाला हुआ है। और दुनिया भर की रिपोर्ट, चाहे वह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट हो, MIT की रिपोर्ट हो या यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट हो, उसका बहुत साफ कहना है कि भारत में जिस दिन एग्रीकल्चर खत्म हो गया और एग्रीकल्चर इकोनॉमी पे टिके हुए लोगों की परिस्थिति जो है, कोई सामाजिक सुरक्षा इनको नहीं मिल पाएगी। इसीलिए इन तीन कानूनों का समर्थन करते हुए इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी IMF ने भी कल ये कह दिया, कानून तो बहुत शानदार है लेकिन सरकार थोड़ा ध्यान रखे सामाजिक सुरक्षा उनको मिल जाए। वह तो मान लीजिए अमेरिका में बैठे हुए हैं, भारत के भीतर का सच क्या है? एक आंदोलन करने के लिए सड़क पर बिजली और पानी तक काटने की स्थिति में जब सरकारें आने लगी हो और एक दूसरी सरकार से गुहार लगानी करनी पड़ती हो आंदोलनकारियों की, तब इसके मतलब बहुत साफ हैं कि इस देश की राजनीतिक परिस्थितियों में और लोकतंत्र की परिभाषा को बदलने की दिशा में ये आंदोलन बढ़ चला है। तन खाली करूंगा जब तक पूरा समझौता नहीं होगा भारत सरकार से। नहीं नहीं, मैं मेरी अपील ये है आपसे, नहीं नहीं नहीं, मैं आप कोई विश्वास नहीं रहा, यहाँ पर पानी नहीं है। मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री से बात करके उनके दिल्ली के कुछ क्षेत्र में पानी और टॉयलेट मैंने वहां से मंगा ली, आप मुझे कोई सहयोग ना आप दे रहे, पानी हटा लिया, बिजली हटा ली, टॉयलेट हटा ली, इतनी बड़ी गत मैंने बहुत विश्वास अधिकारियों पर मुख्यमंत्री पर करा, ये गलत चीज थी, गलत चीज थी। मतलब 500 लोग से लठू से मेरे लोगों को पिटवाओगे आप? वे किसान मैंने बुलवाए जो ट्रैक्टर बुलवाए, मैंने सम्मान नहीं, गलत चीज हुई। मैं आपने कह दिया था मैं गिरफ्तारी दे रहा था अपने 200 300 400 लोग जो मेरे साथ जाते थे, मैं गिरफ्तारी दे रहा था आपने, लेकिन मेरे लोग जो मेरे विश्वास पाए उनकी जिम्मेदारी भी तो थी, मतलब उनकी जिम्मेदारी मैं किस पे दूं? मतलब बीजेपी के लोग उनको पिटेंगे, पुलिस उनको घिरवा के पिटवाने का काम करती है। नहीं नहीं, मैं हो गया, मेरे जीवन में इससे बड़ा नहीं। मेरा सम्मान मेरा किसान है जी, मैं इस किसान को छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं जिस दिन मेरा ये समझौता हो जाएगा, दिल्ली पुलिस में मेरा मुकदमा है। आज एक सीधी सी बात है, आपको पता होगा कल जिन बंदों की फोटो वायरल हुई है वो अमन डबास नाम का जो लड़का है, वो पहले बीजेपी, पहले आम आदमी पार्टी में था, उसके बाद बीजेपी में गया, उसकी पत्नी जो है वो निगम पार्षद है, वो बीजेपी का एक बंदा है, उसकी पूरी फोटो अमित शाह के अंदर वायरल हो रही है, ये सारा बीजेपी का हथकंडा है। इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने सोचा हुआ है कि आंदोलन को ये आज वही पुरानी रणनीति अपनी अपना रहे हैं, जैसे इन्होंने गुजरात किया, गुजरात मॉडल। आज लोग कहते हैं गुजरात मॉडल पूरे हिंदुस्तान में आना था। गुजरात मॉडल क्या था लोग समझ नहीं पाए, गुजरात मॉडल ये था कि जो दंगे गुजरात तक है वो पूरे हिंदुस्तान तक पहुंचाएंगे। मेरी बात समझ रहे हो? बात इन्होंने पूरा माहौल बनाया, कल एक सिख
भाई को पुलिस वालों ने 50 पुलिस वालों ने मिलकर के मारा। तो आज जो ये माहौल बनाया जा रहा है दंगे भड़का करके आंदोलन को दबाने का, आज वो लोग ये घूम रहे थे कि तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मेरी बात समझ रहे हो? बात ये तिरंगे की बात कहाँ से उठी आपको पता होना चाहिए, कहाँ से उठी आपसे पूछ रहा हूँ, कहाँ से उठी? नेशनल मीडिया से, गोदी मीडिया से, कि किसानों ने तिरंगे का अपमान किया। आपको पता है उसी गोदी मीडिया ने अपना फैक्ट दिखाया है, जो फैक्ट चेक किया उन्होंने। यहाँ देखो, ये फैक्ट चेक पे उन्होंने बोला है कि उपद्रवियों ने लाल किले पे ना तो तिरंगा हटाया और ना ही खालिस्तान का झंडा फहराया। ये देखो, ये आज तक वालों ने, मैं तो कहता हूँ सारे सिख समुदायों को, सारे जाट समुदायों को, सारे आंदोलनकारियों को, सारे किसान भाइयों को इनके ऊपर केस करना चाहिए। और जो आदमी मेरा साथ देना चाहता है, गिन्नी सानी नाम है मेरा, जो आदमी मेरा साथ देना चाहता है मेरा साथ दे, हम इनके ऊपर केस करेंगे, इनसे माफी मंगवाएंगे, इनसे नाक रगड़वाएंगे, जिन्होंने किसानों को बदनाम करा, पूरे हिंदुस्तान में आग लगा दी, पूरे हिंदुस्तान में दंगों का माहौल बना करके आज ये बोलते हैं कि हमसे गलती हो गई। आज फैक्ट चेक में ये बता रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, मतलब पूरी आग लगा दी गई ना। आज क्यों नहीं इसको ब्रेकिंग न्यूज की तरह टीवी पे दिखाते, दिखाएं ब्रेकिंग न्यूज, हमसे हुई गलती, ब्रेकिंग न्यूज, हमने भड़काए दंगे, ब्रेकिंग न्यूज, किसानों को हमने किया बदनाम, ब्रेकिंग न्यूज, वहां कोई खालिस्तान का झंडा नहीं लड़ाया, ब्रेकिंग न्यूज, वहां निशान साहब लड़ाया, ब्रेकिंग न्यूज, पुलिस ने लाल किले में घुसने दिया। यानी हमारे साथ 8 बजे रात को चैनल पे क्यों नहीं भोंक रहे अब ये लोग, क्यों नहीं भोंक रहे? अब कहाँ जाती है इनकी ब्रेकिंग न्यूज की ललकारे? आज पूरे देश का माहौल खराब करके, पूरे देश में दंगे भड़का करके, आरएसएस के बंदों को मौका दे करके ये पूरा माहौल बना लिया गया। इसके पीछे कौन सी ताकतें हैं? इसके पीछे सिर्फ राजनीतिक ताकतें हैं। आम आदमी तो वहां पे खुश है, उसको रोटी मिल रही है, आम आदमी वहां पे खुश है, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, आम आदमी वहां पे खुश है, घरों से दूध ला के दे रहा है, आम आदमी को कोई दिक्कत नहीं हो रही। ये हवाला दे रहे हैं हमारे पेट्रोल नहीं भरवाया जा रहा, हाईवे में पेट्रोल पंप पे हम आएंगे, और दुनिया में पेट्रोल पंप नहीं है, आगे पीछे पेट्रोल पंप नहीं है, पुलिस वाले मिल करके हिंसा कर रहे हैं। कल इन पुलिस वालों का जमीन मर चुका है क्या? ये कौन से पुलिस वाले हैं? तुम्हारे अंदर इंसानियत मर चुकी है क्या? आज जमीन, इंसानियत, धर्म, तुम्हारा सब कुछ मर चुका है। ऐसे पुलिस वालों से आप उम्मीद करते हो कि वो देश के लोगों को सुरक्षा देंगे? आज ये लड़ाई जाट के सम्मान और सरदार के पक्की बन चुकी है। ये कैसा लोकतंत्र है जहाँ पे एक संवैधानिक पद पे बैठ के आदमी धमकियां देता है? ये कैसा लोकतंत्र है जहाँ पे तानाशाही मजबूत होती है? ये कैसा लोकतंत्र है जहाँ पर एक आदमी खुलेआम धमकियां देता है, चुनौतियां देता है, और सरकार उसको प्रोटेक्ट करती है, सरकार उसको कब्जा में हाथ में लेने का काम नहीं करती? आज मैं आपको एक बात बोल दूं, ये सारी लड़ाई आज ये लड़ाई लोकतंत्र और तानाशाही की बन चुकी है, आज ये लड़ाई सच और झूठ की बन चुकी है, आज ये लड़ाई इंसाफ की बन चुकी है। आज कोई यहाँ से पीछे नहीं जाएगा। नंद किशोर जैसे आदमी जो खुलेआम धमकियां देते हैं, हम तो ये कहते हैं ये वीडियो वायरल होनी चाहिए और विदेशों तक जानी चाहिए, ताकि UN उसमें इंटरफेयर करे, क्योंकि हमारे देश की सरकारें हमें दबा रही है, हमें मार रही है, हमारे देश की सरकारें हमारी आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। आज नंद किशोर को पुलिस के हवाले किया जाना चाहिए, उसको लठ पड़ने चाहिए, जो 300 आदमियों को लेकर वो यहाँ लठ मारने आया था। नंद किशोर जी, अपने जमीर को जगाओ, अपनी इंसानियत को जगाओ, बीजेपी का पल्ला छोड़ो और अपनी धरती पे यहाँ आके धरती पुत्र किसान का साथ दो। इसका जमीन ना आगे नंद किशोर का है, यो क्या किसान को दबा लेगा? है हिम्मत इसकी है भाई? है हिम्मत इसकी? आप ही बताओ, हिम्मत हो तो दबा के दिखा भाई, हो है आप सामने। डर नहीं लग रहा है? इस तरह की धमकी मिल रही है? ना ना बेटे, कतई डरना, डर तो मरना तो एक बार है, बार बार नहीं मरना। हाँ हाँ, हम ही दबा रहे हैं, मारे और वो फिर रो ना दे, फिर रो ना दे, ये लोग ऐसी है इनकी है? हमें तो ये मार बैठे, हमारे तो माल सार के फ्री में ले रहे हैं ये है? हमारे गन्ने का रेट आज तक नहीं दिया इन्होंने, क्या क्या देंगे ये हमें है? हम तो मजदूर हाँ? से भी नीचे हैं, हम तो मजदूर से भी नीचे, रोज खवा में, रोज खवा रहे हैं, ये खवाना हमारा, मौज ले रहा है हमारे वोट लेने का। अब कहा जाइयो, दे रहे हैं हमें 6,000 रुपए, जिला बिजनौर कब आए? रात रात में। हाँ ये बताइए बेटे, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि बूढ़ों को यहाँ आने की जरूरत नहीं है, महिलाओं को आने की जरूरत है, फिर क्यों आ गए? हम अपनों को पिटवा देते हैं यहाँ, यो बताओ क्या करा है परसों की रात में? यहाँ पटारे थी, उठ रही थी इस वक्त, मैंने न्यूज पे ही देखा था, रुका ना गया बेटे। अच्छा।
हाँ हुआ, वो स्थानीय लोग तो थे नहीं, वो आपको पता होगा, वो आरएसएस के बंदे थे, वो बीजेपी के बंदे थे। यहाँ पानी के टैंकरों को जाने से रोका जा रहा है, यहाँ एक आम आदमी को, जन जन को जाने से रोका जा रहा है। आज आप वहाँ बताइए कि वहाँ पर जो है वो 100-150 आदमी कैसे पहुँच गए। आज उन आदमियों के लिए रास्ता खोला गया, उन आदमियों ने पत्थर भी मारे, उन आदमियों ने पुलिस वालों के साथ मिलकर के वहाँ के जो आंदोलनकारी उनको लाठियाँ मारी, और वहाँ पर वो सारे आंदोलनकारी हाथ जोड़ते रहे कि हमें खून खराबा नहीं चाहिए। आज जो वहाँ पर लोग बैठे थे वो चुप क्यों थे? क्योंकि वो अपने हक की मांग लेने के लिए बैठे हैं। टेंट फाड़े गए, पुलिस वहाँ पे एक देखा होगा सरदार की पग नीचे गिरी थी, उसको उठा के ले गए वहाँ से आंदोलन से, उस आदमी को उठा के ले गए और उसे वहाँ पे 50-50 पुलिस वालों ने लाठियों से मारा है। मेरी बात समझ रहे हो बात? आज वो बंदा जो है अपने एंड सिचुएशन में है, बसता है, क्या होता है हमें नहीं पता। आज ये सरकार जो है आंदोलनकारियों को ऐसे घटनास्थल से उठा उठा के, आंदोलन स्थल से उठा उठा के लेके जाएगी। आज सिंधु बॉर्डर पर जो इन्होंने किया वो क्यों किया? क्योंकि आपको पता है कि राकेश टिकैत जी के आह्वान के बाद यूपी जो गाजीपुर बॉर्डर है ये पूरा भर गया है। आज सिंधु बॉर्डर पर, हरियाणा बॉर्डर पर जो ट्रालियों की ट्रालियां गांव के जत्ते आ रहे हैं, कल जो मेरठ में भी महासभा पंचायत हुई है वहां पे बोला गया है, पंजाब में भी जो पंचायत हुई है वहां बोला गया है कि पंजाब से जो आदमी नहीं जाएगा, एक आदमी भी, उसके ऊपर 1500 रुपए का जुर्माना लगेगा। ये वहां की पंचायतों ने ऐलान कर दिया है कि 1500 रुपए का जुर्माना लगाएंगे, हर घर से एक आदमी जाना जरूरी है। पर कोई गरीब है, मजदूर है, तो उसके ऊपर कोई नहीं है, पर जो जा सकता है, भर सकता है, वो जाए। तो ये ट्रालियां जो है ये जत्ते भर भर के आ रही है, और करनाल बॉर्डर पर आपने देखा होगा लंगर बंद करा दिया, वहां पर फोर्स शुरू कर दी गई है। पर आज ये गुरु के लंगर को बंद करने की सोच रहे हैं, लंगर को कोई रोक नहीं सका आज तक, इतने सालों से ये कैसे रोक देंगे? तो मैं यही कहना चाहता हूं इन शॉर्ट में कि ये सरकार जितनी मर्जी दमनकारी नीतियां बना ले, अगर इनको खून चाहिए तो हम खून भी देंगे, इनको शहादतें चाहिए तो हम शहादतें भी देंगे, पर ये सच की, हक की आवाज है, ये उठती रहेगी, हम अपना हक लेकर जाएंगे। गवर्नमेंट से हम यही कहना चाहते हैं कि इस आंदोलन के द्वारा आप राजनीतिक जो अपनी रोटियां सेक रहे हो वो तो आप सेक सकते हो, गांव के नागरिक हैं। आपको पता है धरने पे क्यों बैठे हैं? धरने पे अपना हक मांग रहे हैं, किसान गलत क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, ये बीजेपी वाले गांव के कार्यकर्ता जाते हैं वहाँ, पत्थर मारते हैं, पहल करते हैं यहाँ से। अच्छा, 5-6 आदमी जाते हैं बस, और गांव का कोई नहीं जाता। बिल्कुल, देखो जी, कल हमारा पानी रोक दिया, स्वास्थ्य मंत्री पानी लेके गए थे, उनका पानी बंद कर दिया। अच्छा, पुलिस वालों ने पानी नहीं जान दिया अंदर। मतलब आप लोग यहाँ जो लोकल रहते हैं? हम गाँव के हैं जी, गाँव के हैं, इसी गाँव के। और ये पुलिस वाले भी ना जा कर रहे, कल गाँव वाले ने पत्थर मारा गए, पुलिस उनको नहीं उठा रही। कल वो जो लोग वहाँ पर है वो आपके गांव के नहीं है? नहीं, 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 जो पत्थरबाजी करते हैं जाते। नहीं, हमारे गांव के भी जाते हैं कार्यकर्ता। अच्छा, बीजेपी के। अच्छा, बीजेपी के उनको बुला रहे हैं 5-10 लोगों ने। कैसे बुलाते हैं, क्या बोल के बुलाते हैं, कुछ पता है आपको इस बारे में? बुलाते हैं 5 कार्यकर्ता, आगे 5 अमीनपुर के, 5 बगोली के, 5 नरेले के। अच्छा, वे किसान नहीं है, वे बीजेपी के कार्यकर्ता पत्थर मारते हैं वहाँ। ओके, हाँ, उधर से भी गलती होती है, फिर उधर भी। एक आदमी को तुम पत्थर मारोगे वो कैसे एक्शन करेगा जी? पर जो किसान है, हमने जितना देखा टीवी में भी, हम खुद भी वहाँ मौजूद थे, वो खड़े रहते हैं, वो आगे नहीं बोलते। पत्थर नहीं मारते जी पहले। हाँ, उसने मजबूरी में तलवार उठाई है। हाँ, जब उस पर लाठी पड़ी थी तब उसने तलवार निकाली जी, पर मारी नहीं है। नहीं मारी नहीं, वो तो ऐसे मार रहा था। आप वहाँ मौजूद थे जब? मैं गाँव में था, उसको पत्थर लाठियों से 8 पुलिस वाले ने मारा उसको। मैंने एक आदमी ऐसा देखा इंडिया टीवी न्यूज पे, जो अपने आप को हमारे गांव का बता रहा था, और वो हमारे गांव का था ही नहीं, पता नहीं कहाँ से आया था। जो बोल रहा सिंह गांव, जो देखते सिंह गांव, कल यहाँ वीडियो बना रहे थे गांव के, गांव में आके कि हम सिंह गांव के और साथ चलो हमारे। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। आपने उनका विरोध किया उस समय? नहीं, हमने नहीं तो विरोध किया और नहीं ऐसा कुछ साथ दिया, लेकिन हम देख रहे हैं जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। सिंह गांव का नाम लेकर सिंह गांव को बदनाम किया जा रहा, टोटली बात ये है ठीक। और सिंह गांव में से जो भी जा रहे हैं, अभी बताया इन्होंने कि 5-10 आदमी गए हैं, वे आगे भी नहीं गए, वे सिर्फ गांव के स्टैंड तक गए हैं कि साथ देने के लिए कि हम आए हैं गांव से। नहीं तो जो आगे जाके पत्थरबाजी कर रहे हैं वो पता नहीं कौन है, कार्यकर्ता है, किसी पार्टी के हैं, पता नहीं। आपको कोई तकलीफ है 2 महीने से जो यहाँ बैठे हुए हैं वो लोग, उनसे? उनसे कोई तकलीफ नहीं है, उनसे कोई तकलीफ नहीं है। जो ये बात कही है ना, ये दारू पी के छेड़खानी करते हैं, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत कही है, जिसने भी कही है गलत कही है। हमें कोई एतराज नहीं है इनसे, और बिल्कुल बैठे रहो, हम भी किसान हैं, हम इनके साथ हैं। बिल्कुल, क्या एक और चीज कही गई है, एक और चीज लोग कहते हैं कि जो आपकी बहू बेटियां हैं नहीं, वो गलत है, बिल्कुल गलत है, हमारी बहू बेटियों का कोई मतलब नहीं इनका, ना कोई सरदार, ना कोई पिता और ना कोई आता, बिल्कुल नहीं करते ये काम, इज्जत से बोलते हैं, बहुत ही गलत काम करते हैं, प्यार से बोलते हैं, खाना खिलाते हैं, हमें चाय पिलाते हैं, प्यार से बोल रहे हैं। हमारे घर में, गांव में कोई नहीं घुसा, कोई बहन बेटी इनके साथ है, बिल्कुल साथ, बिल्कुल साथ है, तुसी देख सकते हो। असली किसान है वो तो साथ है ही, बिल्कुल साथ। और जो राजनीतिक आदमी है उनका मैं पता नहीं, बिल्कुल। आज आपको खुद से सवाल पूछना पड़ेगा कि किसान आंदोलन में हुई हिंसा से फायदा किसको हुआ? किसान को फायदा हुआ
या भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र को फायदा हुआ। दोस्तों, लाल किले की केस वीडियो का बार बार हवाला दिया जा रहा है कि कितना खतरनाक ये वीडियो है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किसी तरह से हमारी दिल्ली पुलिस, हमारे जो अर्धसैनिक बल हैं, वो एक खाई में कूदने को मजबूर हैं, क्योंकि किसान दूसरी तरफ से लगातार उग्र हो रहा है और वो लगातार उन पर हमला बोल रहा है। मगर हर इस तस्वीर के लिए एक तस्वीर ये भी है। यहाँ देखिए, अक्षरधाम ब्रिज के ऊपर की तस्वीर है और पुलिस यहाँ बगैर किसी वजह के अश्रु गैस के गोले छोड़ रही है। बात यहाँ नहीं रुकती, एक वीडियो ये देखिए। इस वीडियो में देखिए, एक ट्रैक्टर के ऊपर तिरंगा है और पुलिस किस बेरहमी के साथ यहाँ लाठियाँ भांज रही हैं। आपको हिंसा की तस्वीरें दोनों तरफ से मिलेंगी, मगर आपको ये सवाल पूछना पड़ेगा खुद से कि इस हिंसा का फायदा किसको मिल रहा है, क्योंकि प्रचार तंत्र सिर्फ और सिर्फ किसान को गाली दे रहा है। मैं आपको सबसे पहले दोस्तों ये बतलाना चाहूँगा कि जिस शख्स ने या जिस शख्स के नेतृत्व में ये बताया जा रहा है कि किसानों का ये जत्था पहुँचा लाल किले, उस खुद आदमी ने इस बात को कबूल किया है कि हाँ, मैंने ये किया है। एक मिनट का उनका ये बयान है। नाम इनका है दीप सिद्धू। इनका किरदार शुरू से ही रहस्यों से घिरा रहा है। ये खुद क्या कह रहे हैं, सुनिए। के चार तरफ से बॉर्डर, जो हमारे किसान जथेबंदियां या हमारे लोग हैं, उन्होंने चारों तरफ से वो बॉर्डर, एक ऑब्स्टैकल जो वहां बैरिकेड की हुई थी, बैरिकेडिंग, उसको तोड़ के आगे बढ़े, उसको तोड़कर आगे बढ़े और वो सब, जैसे हम सब रेड फोर्ट की, लाल किले की तरफ चले गए। सो जब रेड फोर्ट की तरफ गए तो एक सिंबॉलिकली अपना रोष, अपना प्रोटेस्ट, अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए, जो नए कृषि कानून बने हैं उसको दर्ज करवाने के लिए हमने वहाँ निशान साहब भी लगाया, हमने किसान झंडा भी हमारा लगाया, किसान मजदूर एकता का नारा भी बुलंद किया, इसलिए किया, और पीछे उसके तिरंगा लगा हुआ है। सो जिस पोस्ट पे हमने झंडे लगाए, उस पोस्ट के ऊपर कोई झंडा नहीं था। और बात यहाँ नहीं रुकती है, जब लोगों ने निशान साहब फहराया था तो इस बात का विरोध कई किसान बुजुर्ग कर रहे थे, और अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जो इस बात की तस्दीक कर रहा है कि कुछ लोग उस बात से खुश नहीं थे। देखिए ये वीडियो। तो आंदोलन में कई तरीके के लोग होते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके किरदार जो हैं रहस्यों से घिरे होते हैं, जैसे कि दीप सिद्धू। और अब मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि किस तरह से दीप सिद्धू जो है, उससे जब लोगों ने सवाल किया कि आखिर तुम क्यों लाल किले गए, क्यों तुमने वहां पर इस तरह से बलवा मचाया, क्यों तुम वहां पर इस तरह से अराजकता मचा रहे थे, तो दीप सिद्धू के पास कोई जवाब नहीं था। ये किस तरह से भाग रहे थे, आप खुद देखिए। और बात यहीं नहीं रुकती है। अब मैं आपको सुनाने वाला हूं गुरनाम सिंह चढ़ूनी, जो कि किसान नेता हैं। वो खुद कह रहे हैं कि दीप सिद्धू जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और वो लगातार किसान आंदोलन को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी, आप खुद सुनिए। साथियों, आज की जो घटना हुई है लाल किले पे, वो उसको एक तरह से धार्मिक रंग देना जो है वो निंदनीय है, और हमारा जो आंदोलन है वो केवल किसानों का है, जन आंदोलन है, ये धार्मिक आंदोलन बिल्कुल नहीं है। और दीप सिद्धू ने जो किया है, हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, और हमें लगता है वो सरकार का दलाल है, बहुत दिन पहले से गड़बड़ कर रहा है, हर बार जो किसान नेता है उनके विरुद्ध बोलता है, भड़काता है उनके खिलाफ, हर बार का यही काम है, और आज जो उसने किया वो अति निंदनीय है। हमारा लाल किले पे जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था, वो बागी होके गया है, और लोगों को भी उसके जो बहकावे में
इस बात पे आगे कि हम रिंग रोड पे जाएंगे, लोगों को भी ये मालूम नहीं था कि लाल किले पे जाएगा, तो उस हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और ये आंदोलन जो है इसको बिल्कुल किसानों का आंदोलन है और किसानों का ही रहेगा। दीप सिद्धू, मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी के कहने पर यहां आया और उसने किसान आंदोलन को बदनाम करने का प्रयास किया, मगर मैं अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। यहां देखिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सनी देओल के साथ है, यहां पर ये अमित शाह के साथ है, गृहमंत्री अमित शाह के साथ जब वो बीजेपी अध्यक्ष हुआ करते थे। यानी कि ये शख्स जब सनी देओल चुनाव लड़ रहे थे तो बाकायदा सनी देओल के प्रचार में हर जगह उतरा था। ये तीन या चार तस्वीरें देखिए दोस्तों, ये ऑप इंडिया है, इसने ये तक कह दिया कि वहां खालिस्तानी झंडा जो है वो फहराया गया, जबकि निशान साहिब वहां फहराया गया था। वरुण गांधी से जुड़ी हुई ये महिला हैं, इशिता यादव, इन्होंने भी वही भाषा का इस्तेमाल किया। इसी तरह से आप ये देख रहे हैं, ये जो ट्रोल्स हैं बीजेपी के जो अभी इस वक्त आपके स्क्रीन पर हैं, इन सब ने ये कहा कि खालिस्तानी झंडा फहराया गया। आप जानते हैं इनकी भाषा किससे मिलती है? अब ये देखिए स्क्रीन पर, पाकिस्तान का एक वेबसाइट जिसने ये कहा कि भारतीय तिरंगे को हटाकर वहां खालिस्तान का झंडा फहराया गया। इनकी भाषा और भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र के ये जो तमाम लोग हैं, तमाम चेहरे हैं, तमाम वेबसाइट्स हैं, यानी कि पाकिस्तान की भाषा, और इनमें कोई फर्क नहीं है। और जो लोग निशान साहब के झंडे को खालिस्तानी झंडा बता रहे थे, अब मैं आपको कुछ और चीजें दिखलाना चाहता हूं। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, कल 26 जनवरी की जो परेड हुई है राजपथ पर। इस वीडियो में आप देखिएगा कि जब पंजाब की झांकी निकलती है दोस्तों, तो वहां पर निशान साहिब का जो है चिन्ह आपको दिखाई देगा, उसका निशान दिखाई देगा। देखिए वीडियो, अब एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या पंजाब की झांकी में खालिस्तान का झंडा लगा हुआ था? और वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे, तमाम मंत्री भी मौजूद थे, वहाँ पर अपने राष्ट्रपति भी मौजूद थे। आपको जो प्रचार तंत्र सिखाता है, कहता है, कृपया अपना दिमाग पहले लगाएं। और बात यहाँ नहीं रुकती, ये तस्वीर देखिए, गालवान घाटी, जी हाँ, वहीं पर जहाँ मेरे 20 जवान शहीद हुए थे चीनी हमले में। यहां देखिए, ये वीर जवान गालवान घाटी में निशान साहिब का झंडा फहरा रहा है। गालवान घाटी याद है, भूल गए? हां, वही गालवान घाटी जहां पर जब मेरे 20 जवान शहीद हुए थे, तो आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से चीन शब्द नहीं निकला। बहुत सुविधावादी है आप लोगों की देशभक्ति, जी हां। और जो लोग निशान साहिब को खालिस्तानी बता रहे हैं, कृपया अब आप ये तस्वीर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ दिख रहे हैं दो प्यारे प्यारे सिख बच्चों के साथ, और प्रधानमंत्री जो साफा सिर पे उन्होंने बांधा हुआ है उस पर निशान देखिए, ये भी निशान साहिब का चिन्ह है। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर कहा जा सकता है कि खालिस्तान का चिन्ह पहने हुए थे? क्या ये सवाल आपको खुद से नहीं पूछना चाहिए? और आज ये कौन लोग हैं जो तिरंगे के अपमान की बात कर रहे हैं? 2017 की ये तस्वीर देखिए दोस्तों, यहाँ पर गाजियाबाद में योगी आदित्यनाथ की रैली होती है, और आप इस तस्वीर में साफ तौर पर देख सकते हैं कि तिरंगे के ऊपर जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का ध्वज है, वो फहराया जा रहा है। ये लोग बात करते हैं तिरंगे के अपमान की? आज़ादी के बाद 52 सालों तक RSS के दफ्तर में तिरंगा नहीं फहराया गया। मैं नहीं बोला हूँ, 2002 शायद था जब एक व्यक्ति वो नागपुर में RSS के दफ्तर में घुस गया था, उसने ज़बरदस्ती वहाँ तिरंगा फहराया, और आप जानते हैं RSS ने उन तीन लोगों के खिलाफ अदालत में केस किया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने तिरंगा फहराया था RSS के दफ्तर में। ये कौन लोग हैं जो तिरंगे के अपमान की बात करते हैं? आपको कहीं ना कहीं खुद से ये सवाल भी ज़रूर पूछने पड़ेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। ये वीडियो आपने शायद पहले भी देखा होगा, लेकिन इस वीडियो को आप दोबारा एक बार गौर से देखें। सर, एक सवाल था, आप लोगों के किसी के नेम बैजेस क्यों नहीं है? गिर गए होंगे, सबके गिर गए, सारे पुलिस वालों के नेम बैज गिर गए। थोड़ा अजीब नहीं लगता आपको? नेम बैज के बिना ड्यूटी कर सकते हैं आप लोग? दोस्तों, ये वीडियो है दिल्ली का, जहां पर प्रोटेस्ट चल रहा था।
और वहां पर इस आदमी से जब किसी ने पूछा, इस पुलिस वाले ने जब किसी ने पूछा कि आपका बैच कहाँ है, तो इसने बोला कि बैच गिर गया। और इसके साथ और भी पुलिस वाले थे जो बिना बैच के थे, और इन लोगों ने लाठियां चार्ज की थी लोगों पर। आइए दोस्तों, अब आपको हम इसकी सच्चाई बताते हैं। हमने इसके बारे में रिसर्च की तो हमें रिसर्च से पता चला कि ये जो है व्यक्ति, ये आरएसएस का आदमी है। हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि ये आरएसएस का आदमी है। और इसके साथ ही हमें इसकी फेसबुक आईडी मिली है, जो है अशोक डोगरा बूंदी के नाम से इसकी फेसबुक आईडी है, जो कि आप भी सर्च कर सकते हैं अपने फेसबुक अकाउंट से। तो आप उसमें देखेंगे, ओपन करेंगे अगर आप इसकी आईडी, तो उसमें आप देखेंगे कि इसकी कोई सी भी ऐसी तस्वीर नहीं है जिसमें इसने वर्दी पहन रखी हो पुलिस की, या पुलिस से इसका कोई ऐसा काम दिख रहा हो कि पुलिस वाला है। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ आपको इसमें दिखेगा कि बीजेपी का विधायक है बूंदी का, और इसकी सारी तस्वीरें उसके बीजेपी विधायक वाली ही हैं। और इस बात से आप पूरा यकीन कर सकते हैं कि पुलिस वाला नहीं है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि हमारी जो मीडिया है, हमारे देश की जो मीडिया है, वो इन चीजों को नहीं दिखाती है, और ना ही हमारी जो पुलिस है, हमारी जो सरकार है, वो ऐसे लोगों पर कार्रवाई करती है, और ऐसे लोगों को सराहना देते हैं हमारे सरकार के लोग, बीजेपी के लोग। दोस्तों, इससे पहले भी हमें बहुत सारे आरएसएस वाले आदमियों का पता चला था जो प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे, और उन्होंने दंगे फैलाए थे, उन्होंने दंगे फैलाने की कोशिशें की थी, उन्होंने लोगों को बहुत बुरी तरह से मारा पीटा था, ना औरतों को देखा था, ना बच्चों को देखा था, उन्होंने सब पे लाठियां चार्ज की थी। और फिर हमारी जो मीडिया है वो दिखाती है कि लोग गुस्से में आकर ये सब काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो स्टार्ट किया था ऐसे लोग स्टार्ट करते हैं, हमने आपको सच्चाई में दिखा दिया है, लेकिन मीडिया इस चीज को नहीं दिखाती है। और शायद ये जो हमने आपको फेसबुक आईडी दिखाई है, ये भी कुछ देर बाद डीएक्टिवेट हो जाएगी, जैसे पहले वाली आईडियां डीएक्टिवेट हो गई थी, जैसे हमने और पहले वाले देखे थे आरएसएस के जो आदमी थे जिनकी हमें फेसबुक आईडी मिली थी या उनके बारे में रिसर्च की थी, उन्होंने अपना जो डाटा ही खत्म कर दिया था, डीएक्टिवेट कर दिए थे अपने अकाउंट। तो हो सकता है कि कुछ वक्त बाद इसकी भी आईडी डीएक्टिवेट हो जाए। आखिर में दोस्तों, मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हर जगह इस वीडियो को फैला दें, ताकि इस इंसान की असलियत सबको सामने आ सके, और ये जो इंसान है बीजेपी का चेहरा सबके सामने आ सके कि बीजेपी वाले किस तरह से नकली वर्दी पहन के पुलिस वालों की कैसे लोगों पर लाठी चार्ज करते हैं, और उनकी असलियत दिखाएं। जैसा कि आपने इन वीडियोस में देखा, और इन वीडियोस को देख करके आपके मन में जो बात आई है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि इस टाइप की वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और काफ़ी रिसर्च हमें करनी पड़ती है ऐसी वीडियोस के लिए। तो आपका सहयोग जो है अपेक्षित है, और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम आपको सही सही चीज़ दिखाएं, ना किसी के पक्ष की, ना किसी के खिलाफ। जो सही बात है वही आप तक पहुंचाई जाए। और किसान संगठनों से भी मेरी फिर से विनती है कि वो इस आंदोलन को एक अंतिम आंदोलन की तरफ बदल दें, और ये न्याय वर्सेस अन्याय का आंदोलन इसको बना लें। और ये सिर्फ किसान का आंदोलन नहीं है, ये आम जनता का आंदोलन है, कुछ एक बड़े लोगों को छोड़ करके। अभी जो इस आंदोलन का विरोध कर रहे हैं, ये उनके भी पक्ष का आंदोलन है। और मुझे लगता है कि ये सारी वीडियो देख के आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी, और आप जो है अपना नजरिया बदलेंगे, जैसे महेंद्र सिंह टिकैत जी ने बदला, वो भी बीजेपी के समर्थक थे, और आपको सीख लेना चाहिए महेंद्र सिंह टिकैत जी से, क्योंकि वो भी 2014 में और 2019 में मोदी जी के लिए वोट की अपील किया करते थे, और जब उनको एहसास हुआ कि जो चीज़ें हो रही हैं वो जनता के पक्ष में नहीं हैं, तो वो खुद खड़े हो गए हैं जनता के साथ। तो आप लोग भी अगर कभी किसी के लिए ऐसा कर चुके हैं, किसी के पक्ष में अगर वोटिंग की अपील कर चुके हैं, तो ऐसा नहीं है कि गलती सुधारी ना जा सके। और सबसे महान होता है जो अपनी गलती को कबूल करता है, गलती को मान लेता है। और इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और शेयर कर दीजिएगा ज़रूर से इसको सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, ताकि एक ही बाइट में जनता को सही और सच बात समझ में आ जाए। और इसी के साथ आपसे लेते हैं विदा। नमस्ते।